हेलो दोस्तों तो तो कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्व सी वी एस एन सी आर टी पोलिटिकल साइंस यानी बारहवीं कक्षा का जो है राजनीति विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा चैप्टर जो आया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यानी सी बी एस ई एन सी आर टी के अंतर्गत जो बुक है उसमें मेन मेन जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे एनालाइज करेंगे और हर एक बात पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपको एग्ज़ाम व्यू से क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंटों को जो है एनालाइज करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बताए जाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा समझाया तो जाएगा ही जाएगा प्लस ये आपके अक्षर भी सामने दिखेंगी तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है लेकिन ये पॉइंट सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों तो सेंटर से मानने में बच्चों के लिए, हो, हो लिए कुछ कुछ तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास ट्वेल्व सीबीएसई एनसीआर पोलिटिकल हेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बट नेक्स्ट टॉपिक अराइव पावर Veto Power is the most important point here for the exam view. You know that Veto Power. Veto is a right given to be a permanent member of country of the Security Council of United Nation. the United Nations. The Veto is the right given to be a permanent permanent member of country of Security Council of the United Nations on the basis of which any country can go against it is a discussion and stop the discussion. the security council has a five mem permanent member and ten non-permanent member. the security council has a five permanent member and ten non-permanent member. there are total 50 members in which the value of each vote. देर आर टोटल फिफ्टीन मेम्बर इन विच देर इज द व व वैल्यू ऑफ इच्च वोट ऑफ विटो पावर टील टू थाउजेंड सिक्स ये यूज ऑफ विटो पावर टील टू थाउजेंड सिक्स यू एस ए यूज नाइंटी टू टाइम ऑन टील टू थाउजेंड सिक्स यू एस ए यूज आर एटी टू टाइम एंड चाइना Here use a bit of power four times and Russia use a veto power 122 times and France they use a bit of power 18 times and UK here use a 32 times different between two permanent and temporary member of the counseling security counseling. Let's see. What is the difference between the permanent and temporary membership of security counseling you know that permanent members that's important permanent member are selected or forever in the security council you know that permanent members selected of forever in a security council they have a bit of power they have bit of power and there are number is five there is a number only five the pay of the play of important role in all the discussion of the security counseling the five member there is the most important because he was a permanent member the permanent member is important and they pay on important role in all the discussion of the security counseling and also they can stop any decision of the Security Council, that's the most important a uh, permanent member. There is the play an important role on the discussion of the Security Council and can stop any discussion of Security Counseling. That's important power here. And the let's see there is a temporary members as a power here. A temporary member that's important there is elected to to their security council for only two years. there's only period time is two years. they are related to the security council for only two years. they do not have bit of power and their number is 10 member only here. and there is a role is not unimportant as a to the permanent member. that's important. and also they cannot stop any discussion. Of security council mean there is a not a power for the temporary members here the number of 10 and not a bit of power for the temporary member hand here india has a contribute to be united nation you know that india has a contribute to the united nation india has been to continuously contribute to the program of united nation be it the peace security this amendment south korea christ and swiss canal issue are the iraq as attack on the kuwait the india is the most important contribution here apart from this india also uh, play a role in the protections of the human rights and opposition to be a councilism and afraid and the educational economic and cultural activities that's important contribution for the india here yeah? The next point is most important here, qualification to obtain permanent membership of the Security Council of United Nations, that's the most important here, qualification of, to be obtained permanent membership of the Security Council. First of all here, great economical power, the first qualification here, great economic power, and second here, that's important, great military power. And third year, large na nation from a population point of view. The large nation from a population point of view. That's the most important qualification. And fourth year, continuously contribute to be budget of the United Nations. That's important qualification here. And the next year, respects our democracy. Respect your democracy and this country. रिप्रेजेंट अ डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ द जोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड कल्चर दस इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट परमानेंट मेंबर है यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कक्षा बारहवीं सी बी एस ई एन सी आर टी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ पर जो हम जो पॉइंट कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर पॉइंट है बिट्टो पावर निश्चित अधिकार यानी बिट्टो पावर क्या होती है बिटो पावर की कौन कौन सदस्य बन सकते हैं इसके क्या क्वालिफिकेशन है तो इस पर हम पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं देखा जाए तो बिट्टो पावर को अगर हम देखें अधिकार कहते हैं इसको बिट्टो संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से प्राप्त वो अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसला को रोक सकता है यानी बिटो पावर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि बिट्टो संयुक्त राज्य संघ के सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के प्राप्त वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है सुरक्षा परिषद में देखा जाए तो पांच अस्थाई सदस्य हैं और दस अस्थाई सदस्य हैं यानी देखा जाए तो कुल जो है पंद्रह सदस्य हैं जिसमें प्रत्येक की विटो की मूल्य एक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है देखिए अगर अस्थाई सदस्यों में से कोई भी किसी देश को विटो पावर देने से मना कर देती है तो उसको विटो पावर नहीं दी जाती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है बिट्टो पावर के लिए चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो सारे क्वालिफिकेशन आपके पास हो लेकिन कोई जो है अस्थाई सदस्यों में से कोई भी आपको मना कर देता है इनकार कर देता है बिट्टो पावर देने से तो उसको जो है निषेध ही माना जाता है क्योंकि बिट्टो पावर का मतलब हाँ है कि जो अस्थाई पाँच सदस्य हैं उनको अधिकार दी गई है कि कोई भी फैसला हो वो अपने मत के अंतर्गत चल सकते हैं इसलिए देखा जाए तो भारत को आज तक जो है विट्टो पावर की शक्ति नहीं मिली है कारण यही है क्योंकि भारत को हर देश जो है सब चीज़ में जो है क्वालिफाइड मानने को तैयार है लेकिन चाइना जो है बार बार जो है इस पर टांग आती है देखा जाए तो यहाँ पर 2006 तक विट्टो पावर का उपयोग जो है कई देशों ने किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यानी 2006 तक जो विटो पावर का अब तक उपयोग जो हुआ है अमेरिका द्वारा बिरासी बार हुआ है चीन ने अब तक चार बार जो है बिटो पावर का उपयोग कर चुका है 2006 तक और रूस ने सबसे अधिक की है रूस ने 122 बार जो है बिटो पावर का उपयोग किया है इवन देखे फ्रांस तो फ्रांस ने अठारह बार जो है इसका उपयोग किया है और ब्रिटेन ने बत्तीस बार किया है तो देखा जाए तो चीन सिर्फ चार बार बिट्टो पावर का उपयोग किया है और रूस ने एक सौ बाईस बार जो है बिट्टो पावर का उपयोग किया है तो ये काफी महत्वपूर्ण है अब यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद के अस्थाई तथा अस्थायी सदस्यों में अंतर ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में क्या अंतर है किसको जो है अस्थाई सदस्य माना जाता है किसको इसको अस्थायी अस्थाई सदस्य दिया जाता है तो सर्वप्रथम अगर हम देखें अस्थाई सदस्य अस्थाई सदस्य शिक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं जो कि पाँच है अब तक पाँच से एक भी नहीं भरे हैं क्योंकि वो उन क्वालिफिकेशनों के पास नहीं कर पाते हैं और आपको मैंने बताया कि पाँचों में से अगर कोई ने भी मना कर दिया तो उसको जो है अस्थाई सदस्य का दर्जा नहीं मिलता है तो अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए भी चुने गए हैं पाँच देश हैं और इनके पास विट्टो शक्ति भी प्राप्त है और इनकी संख्या केवल पाँच है और ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को ये स्थाई सदस्य रोक भी सकती हैं जैसे मैंने कहा कि अगर पाँच सदस्यों में से कोई भी अगर नेगेटिव में वोट दे देता है तो उसकी अस्थाई सदस्यता बंद हो जाती है यानी हर एक सदस्य के जो है इसके सदस्य बनने के लिए इसके फेवर में वोट जाना चाहिए तो यहाँ पर बिट्टो शक्ति भी प्राप्त होती है तो अस्थायी सदस्य होने का काफ़ी यहाँ फ़ायदा देखने को मिलता है वहीं देखें अस्थायी सदस्य जो कि संख्या दस है उसमें क्या बातों पर जो है विचार की गई है तो देखा जाए तो अस्थाई सदस्य की कि क्या विशेषता होती है ये सुरक्षा परिषद में केवल दो साल के लिए ही चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य जो होते हैं केवल दो साल के लिए ही चुने जाते हैं और इनके पास विट्टो शक्ति प्राप्त नहीं होता है यानी इनके पास कोई विट्टो शक्ति नहीं होती है और इनकी आज तक संख्या जो है सिर्फ दस ही है और इनकी भूमिका अस्थाई सदस्य की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकती हैं तो देखा जाए तो इसके अस अस्थायी सदस्य की में कोई भी पावर नहीं होती है मैं तो यही कहता हूं कि अस्थायी सदस्य बनने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई भी शक्ति इनके पास होती ही नहीं है सिर्फ ये सिर्फ नाम मात्र का ही सदस्य होते हैं देखा जाए अगली पॉइंट ये बताता है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता रहा है और चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निःशक्तिकरण का हो दक्षिण कोरिया संकट हो या स्वेज नहर का मामला हो या इराक या कुबैत पर आक्रमण हो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है हर एक क्षेत्र में और भारत सदैव ही निशस्त्रीकरण के साथ है और दक्षिण कोरिया के संकट में भी सहायता किया था और स्वेज नहर के मामलों में भी भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण रुख था इवन इराक और कुवैत पर जो आक्रमण हुए थे जो आक्रमण इराक और कुवैत पर हुए थे इसमें भी भारत का संघ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान थे इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की रक्षा उपनिवेशवाद का रंग भेद का विरोध और जो है शैक्षिकीय आर्थिक और संयुक्त गतिविधियों में भी भारत की भूमिका जो है सराहनीय रही है तो देखा जाए भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है देखा जाए तो अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य होने की क्या क्या योग्यता होना चाहिए सबसे पहली बात तो यही आती कि बड़ी आर्थिक शक्ति हो यानी कि इनके पास बहुत ही बड़ा अर्थव्यवस्था हो दूसरा यही है कि बड़ी सैन्य शक्तियाँ हो तीसरी बात आता है आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र हो चौथी बात ये आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहे यदि अगला पॉइंट पे बात करें तो लोकतंत्र का सम्मान करता हो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र उस देश में स्थापित हो अगली अगर पॉइंट भी बात करें तो यह देश अपने भूगोल अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के हिलास के विविध की जो है नुमाइंदगी करती हो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के पास ये सारी बातें हैं लेकिन फिर भी भारत जो है देखा जाए तो सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है और इसमें कहीं ना कहीं कारण जो है चाइना के द्वारा ही है क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि कोई भी पाँच सदस्य देशों में अगर मना कर देती है इनकार कर देती है विट्टो पावर का यूज, यूज कर लेती है तो उसको जो है स्थायी संस्था का जो दर्जा नहीं दी जा सकती है और भारत के पक्ष में सारे क्वालिफिकेशन है भारत के पास बड़ी आर्थिक आर्थिक शक्ति है बड़े सैन्य शक्ति में भी भारत तीसरे नंबर पर आता है आबादी के दृष्टिकोण से भारत जो है नंबर वन है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी भारत का योगदान रहा है और लोकतंत्र भी भारत में मौजूद है और यह देश अपने भूगोल अर्थव्यवस्था से और शरीर के लिहाज से विभिन्न भी नुमाइंद करती है यानी यहाँ पर विभिन्नताएँ भी काफ़ी है, है। संस्कृति में भी है भूगोल में भी है तो भारत जो है इसके अस्थाई सदस्य का प्रमुख हकदार है लेकिन देखा जाए तो आज तक भारत को जो है ये शक्तियों से जो है दूर रखा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ देशों की चापलूसी है इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे विश्वास है कि भारत का विश्व जो है आने वाले समय में और विश्व स्तर पर जो है इसका सही सदस्य जरूर बनेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगला पॉइंट जो रहेगा और भी महत्वपूर्ण रहेगा तो अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है अगर चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो तिरपान स्टडी सेंटर का भी बात को रखना पड़ेगा आपको जितना हो सके शेयर करना है पहली बार मेरे चैनल पर आओ पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे देखिए दोस्तों ये तो समझ वाली बात है अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ता है क्योंकि नहीं कीजिएगा कौन सा वीडियो कब आ जाए तो ये आपको पता नहीं लग पाएगा आप अगर आप एक बार देख लेते हो उस पर लीव कर जाते हो क्योंकि मैंने यही बात देखी है कि आप सब देख लेते हो लीव कर जाते हो लेकिन आपको पता है कि अभी पेपर ख़त्म नहीं हुए हैं कहते पेपर तो आता ही रहेगा अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो एट्थ से लेके एम तक के आपके जो है तिरपान स्टडी सेंटर साथ देगी तो इतना बड़ा साथ कोई कैसे छोड़ सकता है इसलिए सोचिए नहीं विचार ना कीजिए तिरपान स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब करके अपने माल में सेव कीजिए